हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं सेट ऑटोमेटिकली के बारे में। जैसे कि इसमें बहुत सारी सेटिंग होती है, तो इसको हम बताने वाले हैं कि कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर जाना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पे आपको ऐड सर्च करना है। और जैसे ही आप ऐड सर्च करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट ऑटोमेटिकली, तो आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं सेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑन हो जाएगा, बाकी सब ये ऑफ हो जाएगा। और इसको ऑफ़ करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि टाइम जूम है, टाइम जूम में हमें ये लगा रखा है तो आप इसे भी सेट कर सकते हैं, और डेट को भी सेट कर सकते हैं, जो कि डेट हमारी सही है 2 दिसंबर 2022। और टाइम को भी सेट कर सकते हैं, टाइम हमारा सही चल रहा है। तो अगर आप इसे ऑन कर देंगे, जैसे कि सेट ऑटोमेटिकली को आप ऑन कर देंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। अगर आप इसे ऑफ़ कर देंगे तो आप इसे यहाँ से खुद सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और 24 आवर्स फॉर्मेट, यानी कि 24 घंटे का जो टाइम है वो चलता रहेगा यहाँ पर। और होम स्क्रीन वर्ल्ड क्लॉक, जो आपकी होम स्क्रीन पर क्लॉक चल रही है वो ऑटोमेटिकली चलती रहेगी, मतलब सेम चलती रहेगी। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है फैंस वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।